जब भी मैं इस मास्क को लगाती हूँ, एक तो स्किन बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है, जो भी ऑयल वगैरह होता है, स्वेट वगैरह होता है, वो भी साफ हो जाता है, शफाफ हो जाता है, और स्किन बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाती है। और आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूँ। हेलो देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अलीना उमर, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले पर। बहुत सारे लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा। ये एक ऐसी क्ले है जिसको हम पी भी सकते हैं, नहाते हुए अपने बाथ टब में भी डाल सकते हैं, इसके अलावा इसको फेस पे एज अ मास्क भी यूज कर सकते हैं। इस कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले के फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इस्तेमाल क्या है, और कौन कौन से लोग यूज कर सकते हैं, कहाँ से मिलेगी, और क्या चक्कर है इसका, तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले जो है वो होती है ग्रे से कलर की, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ। इस तरह से होती है, जस्ट लाइक जिस तरह से हम लोग बचपन में स्लेट और स्लेटी यूज़ करते थे ना, ये उस टाइप की होती है, और बहुत ही पाउडरी फॉर्म में ये मिलेगी आपको। जब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो इसका कलर जो है ब्लैक सा हो जाएगा और बहुत मडी मडी सा कलर हो जाएगा इसका। मैंने इस वक्त इसको इस बॉक्स में रखा हुआ है जबकि ये मुझे पैकेट में मिली थी। दिखा देती हूँ, यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगी। उस तरह से मुझे एक पैक में ये रिसीव हुई थी। अब इसको लगाना किस तरह से, इसको लगाने का तरीका सिर्फ यही है कि आपने लेना है एक स्पून भर के कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले का और थोड़ा सा पानी, ठीक हो गया। अब हम करेंगे इसको मिक्सअप। आप इसको नॉर्मल वाटर के अंदर इजीली मिक्स कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। ये नॉर्मल वाटर में भी एक्टिवेट हो जाएगा, नॉर्मल वाटर में भी इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसको आप लोग कर सकते हैं रोज वाटर वगैरह में। मेरा फेस इस वक्त बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि मैंने मेकअप किया हुआ था और मेकअप मैंने रिमूव नहीं किया, लेकिन मेकअप की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। तो अब मैं इसको ऐसे अपने फेस पर लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये होता है इसका मिक्स होने के बाद हाल। और इसके अंदर से ना जिस तरह से जब रेत कह लें, कुछ इस टाइप की इसके अंदर से खुशबू आती है, और इसके रिजल्ट्स इतने कमाल के हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, जिस तरह से सीमेंट होती है ना, इसका बिल्कुल उस तरह से कलर हो जाएगा। और अब मैं इसके बेनिफिट्स भी आपको बताती हूँ साथ साथ। जिन लोगों की ऑयली स्किन है डेफिनेटली वो इसको यूज करें, ऑयल को अब्सॉर्ब करेगा, पिंपल्स को कम करेगा डेफिनेटली। और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो इसको यूज करेंगे तो इसके अंदर उन्होंने डालना है जस्ट अ 1 or 2 drop स्वीट एलमंड ऑयल। अगर तो आप लोग डाइटिंग कर रहे हैं तो आप लोग इसे कैप्सूल्स यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, बट यही कहूंगी कि डॉक्टर के मशवरे से खा लें, क्योंकि खाने पीने वाली कोई भी मेडिसिन वगैरह मैं आप लोगों को ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकती। बट मैं आप लोगों को इतना बताती चलूँ कि इसके कैप्सूल्स होते हैं जिसको हम लोग खा सकते हैं, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, हमारी क्लीन करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। ये इसके अलावा स्किन के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो डेफिनेटली बहुत बुरा फेस इस वक्त लग रहा है। ओ माई गुडनेस, 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको ड्राई होने में। ड्राई होके फिर मैं ड्राई करके आती हूँ। ये ड्राई होना भी शुरू हो गया, अभी सिर्फ इसको अप्लाई किए हुए 2 मिनट हुए हैं, 7 मिनट लगे हैं। जैसे मैंने अप्लाई किया था ये साथ साथ ड्राई होता रहा था, क्योंकि इसके अंदर हमने पानी मिलाया था, या रोज वाटर मिलाएंगे तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा, या दूध मिलाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा जो थोड़ा सा क्रीमी हो, लाइक दही हो गई या कोई ऑयल वगैरह हो गया, वो डालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको ड्राई होने में। अब मैं इसको वॉश आउट करके आती हूँ, फिर आपको मैं इसके रिजल्ट्स दिखाती हूँ। जनाब, ये है मेरी फाइनल शक्ल। मैं मास्क उतारने के बाद मैंने क्या फील किया, एक तो स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई किया, आई वॉज लाइक सीरियसली इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। मैं भूल गई थी आप लोगों से पहले इसको शेयर करना। कल मैंने इसको जब लगाया तब मैंने कहा मैंने आप लोगों से ज़रूर शेयर करना है। एक मास्क को अप्लाई करने से, एक बार अप्लाई करने से 10 मिनट में आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि गारंटी दे रही हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ऑयली स्किन पे लगाएंगे तो ऑयल के ऊपर जो भी स्वेट आया होता है, ऑयल आया होता है, वो अब्सॉर्ब हो जाता है। जो जब स्वेट से हमारी स्किन के अंदर जर्म्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, उसको ये क्लीन कर देता है, डीपली क्लीन करता है आपकी स्किन को। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको इतने आला किस्म के रिजल्ट मिलते हैं कि बस क्या बताऊँ। और फेशियल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं फेस पे। दाने जिनके निकलते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, डेफिनेटली उनको मैं रेकमेंड करूँगी ये ज़रूर लें। और अब कैसी शक्ल आ रही है, बट मिरर में देख के कमाल का रिजल्ट आया, कमाल का।
सो हाईली रिकमेंडिंग यू गाइज, आप लोग इसको कहाँ से बाय कर सकते हैं, आप लोग अपने करीबी किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से पूछ लें, कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले का अगर तो मिलती है तो ठीक है, वरना मैंने यहाँ पे एक पेज से बाय की थी जो कि पेज अब लंदन मूव हो चुका है, सो आई डोंट थिंक सो कि वो पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं, बट फिर भी मैं पूछ लूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो। और इसके अलावा प्राइस वगैरह वही बताएंगे आपको, बाकी किसी भी एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो तो किसी को सूट करती किसी को नहीं करती, लेकिन ये हर एक को सूट करेगी। ड्राई स्किन है तो वीक में एक बार कर ले, ऑयली स्किन है तो वीक में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, दुआ में याद रखिएगा, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।